नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मो गेम टेक में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन गेमिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में। वन प्लस के सबसे सस्ते स्मार्टफोन की खबरें सामने आने लगी है और अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि 10th ऑफ जुलाई को स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वन प्लस अपने स्मार्टफोन के पीछे बहुत दिनों से काम कर रहा था, जो कि सबसे सस्ता स्मार्टफोन था, और शायद इसके बाद ये अपना एक नया लाइन और एक नया सेगमेंट यहाँ पे लॉन्च करना चाहता है जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स रहे, जैसे कि वन प्लस वन हुआ करते थे। ये अभी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है क्योंकि अमेजन इंडिया पे इनका एक पेज आ चुका है जो कि वन प्लस लाइट जेड थिंक के नाम से है, जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे वन प्लस के बारे में बताई गई है। यहाँ पे एक नोटिफाई का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने वन प्लस के नाम के ऊपर भी वोट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे प्राइजेस की भी एक सीरीज चलने वाली है जहाँ पे आप तरह तरह के पर्क्स एंड ट्वीक्स यहाँ से जीत सकते हैं, जो आगे चल के आप जब भी वन प्लस का डिवाइस खरीदते हैं उसको एनकैश करा सकते हैं वन प्लस कम्युनिटी की तरफ। तो जैसे आप सभी जानते हैं, वन प्लस जो है हमेशा अपने कुछ नए स्ट्राइकिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि उनका ये नया इंस्टाग्राम का एक पेज हैंडलर है जहाँ से हमें बहुत तरह तरह की इन्फॉर्मेशन्स मिली है इस नए डिवाइस के बारे में। इसका नाम जो है वो मे बी वन प्लस जी या वन प्लस नॉट हो सकता है, बट अभी ये अमेजन से कन्फर्म हो गया है कि इसका नाम आइदर वन प्लस जी रहेगा या फिर इसका नाम वन प्लस लाइट रहेगा। ये भी हो सकता है कि इंडियन मार्केट में इसका नाम वन प्लस जेड रहे और यूरोपियन मार्केट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इसका नाम वन प्लस नॉर्ड रहे। जैसे आपको मैं बता दूं, 10 जुलाई का इन्होंने जो टाइम फ्रेम है वो सेट किया है, क्योंकि 30 जुलाई को रियलमी ने भी अपना एक लॉन्च इवेंट किया है रियलमी एक्स थ्री सुपर जूम और एक्स थ्री के लिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रियलमी अभी से गियर अप कर रहा है इसके लिए कॉम्पिटिशन बनाने के लिए। तो इसके इंस्टाग्राम से जो हमें चीज़ें मिली, मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ एकदम लाइव अपडेट यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि पहला ये कन्फ्यूजन था कि ये जो फ़ोन है वो सिंगल पंच होल के साथ आने वाला है, बट अभी ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया है क्योंकि जो इनके CEO है पिटलाओ ने, इन्होंने ये भी कन्फर्म किया है कि सबसे पहले इंडिया में लॉन्च होगा, देन ये यूरोप में लॉन्च होगा, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि ये डुअल पंच होल के साथ आने वाला है और इसकी जो आधिकारिक प्राइस रहने वाली है वो रफली अराउंड 25,000 के पास आने वाली है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये पहला वन प्लस का फ़ोन रहने वाला है जिसमें डुअल पंच होल टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ करने वाले हैं। अभी तक वन प्लस की डिवाइस में सिंगल पंच होल आता था, वो भी सेंटर में आता था, बट इसमें लेफ्ट साइड में डुअल पंच होल लाएंगे, जिसका कॉन्फिग्रेशन मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊँगा। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे जो सेंसर यूज़ किया है वो सोनी का सेंसर यूज़ किया है जो इन्होंने वन प्लस 5 में यूज़ किया था। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये IMX616 होने वाला है जो कि 560 से एडवांस रहने वाला है। इसके पीछे बहुत दिनों से इनकी प्रोसेस चल रही थी, इनकी R&D टीम ने बैठ के ये फ़ोन को बहुत ही जल्दी में इसे यहाँ पे लॉन्च किया है। ये पहला ऐसा डिवाइस है वन प्लस का जो कि स्नैपड्रैगन 800 सीरीज में ना आते हुए 700 सीरीज में आया है। अभी तक के जितने भी आपने स्मार्टफोन देखे वन प्लस के, सभी 800 सीरीज में आते। ये पहला ऐसा फ़ोन है जो 765G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। स्क्रीन की बात करें तो 6.55 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले की यहाँ पे स्क्रीन होने वाली है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz रहने वाला है और 402 PPI की डेंसिटी रहने वाली है। एंड्रॉयड 10 और ऑक्सीजन OS 10.0 के साथ ये प्रोसेसर आने वाला है जो 7 नैनोमीटर की चिप पर काम करता है। साथ ही साथ एड्रिनो का 620 यहाँ पे इसके साथ GPU यूनिट रहने वाला है। मेमोरी कार्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें 3.5mm जैक का कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। जो इंटरनल स्टोरेज है वो 128 जो कि स्टैंडर्ड रहने वाली है। साथ ही साथ इसका बेस वेरियंट 6GB का रहने वाला है, इसके दो और वेरियंट आ सकते हैं 8GB के साथ और 12GB के साथ। अच्छी बात यह है कि ये HDR10 और कलर गोमेट दोनों तरह के स्क्रीन के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो भी इस प्राइस रेंज में जो कि 25,000 में आने वाला है। कैमरा डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें 64MP का मेन कैमरा रहने वाला है, 16MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस रहने वाला है। डुअल LED फ्लैश रहने वाला है HDR पैनोरामा के साथ, 4K रिकॉर्डिंग के लिए कैपेबल होने वाला है। सामने कैमरे की जो हम बात करते हैं, जो कि अब कन्फर्म हो चुका है, तो 32MP का मेन कैमरा रहने वाला है और 8MP का अल्ट्रा वाइड रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि ये भी सुपर जूम सपोर्ट करेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि 10x जूम सपोर्ट करता है या 5x जूम सपोर्ट करता है, जो कि स्टैंडर्ड वन प्लस के फ़ोन करते हैं। बैटरी की बात की जाए तो 4300 की लिथियम पॉलीमर की यहाँ पर बैटरी होने वाली है, जो कि अच्छा टॉक टाइम देने वाली है। साथ ही साथ टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाला है ब्लूटूथ 5.0 के साथ। अभी आपको जैसे पता है, वन प्लस वो एक कंपनी है जो हमेशा अपनी UI के लिए जानी जाती है, जिसका है वन UI,
जो कभी भी आपको निराश नहीं करता। एड्स कम रहते हैं, इसमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है कि जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करे। जैसे कि यदि आप MIUI पे जाते हैं तो आप हमेशा मतलब बोर हो जाते हैं कि यार कितनी एड्स दिखा रहा है या समथिंग या ग्लिची। ऑक्सीजन OS इज़ द बेस्ट OS अभी तक मैंने यूज़ किया है जो कि एंड्रॉयड स्किन के ऊपर काम करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझे बता सकते हैं, और आप कौन सा वीडियो इस वीडियो के बाद चाहते हैं, कौन से स्मार्टफोन पे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। सो आई ट्राई टू प्रिपेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।